हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ एक प्रोडक्ट के बारे में है, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सॉरी। तो ये है एक फाउंडेशन। वैसे मैंने बहुत सारे फाउंडेशन ट्राई करे हैं, तो अभी मैंने लेटेस्ट जो नया फाउंडेशन मंगाया है वो है एल्फ का फाउंडेशन। तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी उसकी क्या प्राइस है, वो कवरेज कैसा देता है, और आप उसको कब यूज़ कर सकते हैं, कौन सी स्किन पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उस प्रोडक्ट से मिलवाती हूँ। यह है एल्फ का सैटिन फिनिश फाउंडेशन, और मेरा जो कलर है वो है 140 लाइट आइवरी। तो ये मेरा शेड है। इसकी प्राइस क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये कोई कार्डबोर्ड में नहीं आया, ये इसकी ग्लास की बोतल, कांच की बोतल और प्लास्टिक का इसका कैप है, और इसका प्लास्टिक भी बहुत अच्छा है। कोई ये लोकल बॉटल नहीं लग रही, ये अच्छी अच्छी बॉटल लग रहा है। और देखिए ये कितना गंदा हो गया, क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर लिया है, और इसमें ये पंप दे रखा है, और चाहे तो आप इस पंप को खोल भी सकते हैं। ये देखिए कुछ कुछ होते हैं जिसमें पंप तो देते हैं पर वो पंप ओपन नहीं होते, उसमें बहुत सारा फाउंडेशन रह जाता है। तो इस वजह से इसमें आप इसको खोल के इसको किसी और चीज़ के लिए भी आप इस बॉटल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये फाउंडेशन मेरा शेड आइवरी है, 140 वर्म येलो अंडरटोन के अंदर है। ये क्वांटिटी है वो 20 ml है, और इसकी जो प्राइस पड़ी थी वो थी, इसमें जो प्राइस लिखी है वो 550 है, पर आपको ऑफर में ये और कम का मिल जाता है, क्योंकि नायका से पे बहुत सारे ऑफर मिलते हैं। तो मैंने ये नायका से ख़रीदा है। जो भी मेकअप प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादातर मुझे नायका से ही अच्छे लगते हैं खरीदना, अफोर्डेबल प्राइस में जो होते हैं, इस वजह से। चलिए तो मैं अभी आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ अपने फेस के ऊपर। तो मैंने लिपस्टिक और लाइनर ही लगा रखा है, बाकी कुछ भी नहीं लगा रखा मैंने फेस पे। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, ना तो इसमें प्राइमर मेरे फेस पे लगा है, ना कोई जेल, ना कोई सीरम, कुछ भी मेरे फेस पे नहीं लगा हुआ बिल्कुल। मेरा बस फेस वॉश करा है मैंने। तो चलिए मैं इसको लगा के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पंप ले लिया, ये बस इनफ है, एक पंप ही मैं पहले आपको लगा के। जैसे आपको अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा फाउंडेशन समझ में नहीं आए तो आप ले सकते हैं। इसका जो शेड है वो मुझे बहुत ही पसंद आया था, मेरी स्किन टोन से मिलता जुलता है। तो हम पहले थोड़ा सा लगाते हैं, पहले एक साइड पे मैं ब्लेंड कर लूँगी, फिर दूसरी साइड पे आपको करके दिखाऊंगी। पर इसकी जो स्मेल है वो पाउडरी जैसी है, पता नहीं क्यों, पर हाँ जैसे पहले के टाइम में पाउडर आते थे उस टाइम। तो ये मैंने आधे फेस पे लगा लिया है ये ब्यूटी ब्लेंडर से, हम इसको ब्लेंड करते हैं। तो ये कवरेज तो मीडियम देता है, बस अभी मैंने एक ही लेयर लगाई है, अगर आपको और चाहिए तो आप लगा सकते हैं। इसका मैं हॉनेस्ट रिव्यू दूंगी, ना ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है और ड्राई स्किन के लिए फाउंडेशन बहुत कमी से मिलते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको ले लिया। ऑयली स्किन वाले इसको बिल्कुल यूज़ ना करें, उसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊँगी आगे। तो ये देखिए ये मैंने लगा लिया है, इधर का फेस आप देख सकते हैं, और इधर का लग तो रहा है कि चेहरे पे कुछ लगाया है, क्योंकि ये इस साइड थोड़ा सा ग्लो आ रहा है मेरे चेहरे पर, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है इसलिए मैंने ही मंगवाया था। पर ये कवरेज एक पंप में आपको बिल्कुल भी कवरेज नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे देखिए निशाने वो अभी तक छुपे नहीं हैं। तो ये एक इसमें बिल्कुल कवरेज नहीं दे रहा, हम थोड़ा सा इसको और लगाते हैं, एक पंप और मैंने ले लिया। मैं आधे फेस पे इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको इसका फ़र्क पता चल सके, पर ये बहुत ही, तो ये मैंने लगा लिया है दूसरी साइड एक और बार, एक और लेयर, और अब देखते हैं ये कवरेज देता है या नहीं। पर ये कवरेज दे या नहीं दे, पर ये चेहरे पे ग्लो बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर रखा है। सेकंड लेयर में आपको कवरेज मिल जाएगा, मीडियम मीडियम कवरेज आपको मिलेगा। इस फाउंडेशन के ऊपर बहुत कम ही वीडियो बनी हुई है, तो मैंने सोचा मंगाया है तो इस पर भी वीडियो बना के मैं आपको दिखाई दूँ, ताकि आपकी समझ में आ जाए अच्छे से। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए प्लीज़। तो अब आपको फ़र्क पता चल रहा होगा चेहरे पे, ये एक साइड पे आप मेरा, अगर आप देखें इस साइड पे फाउंडेशन है, इस साइड पे नहीं है, पर हाँ ये ग्लोई फाउंडेशन है, इससे चेहरे पे ग्लो आ जाता है। ड्राई स्किन के लिए ये बेस्ट फाउंडेशन, आप जैसे कॉलेज गर्ल हैं या पार्टी वगैरह में आप जाएँ, डे में आप किसी फंक्शन में जाएँ तो आप इसको लगा सकते हैं, डेली बेसिस पे भी आप इसको लगा सकते हैं, ऑफिस कॉलेज में अगर आप जाएं। नहीं तो अब हम दूसरी साइड लगाते हैं, ये देखिए आई थिंक इधर दो पंप लगाए थे, तो इधर भी थोड़ा सा दो पंप एक साथ लगा के देखते हैं। क्वांटिटी मैंने सेम ही रखी है उसकी, कितना लगाना,
अब मैं इधर ब्लेंड कर लेती हूँ। देखिए पता नहीं कुछ लोगों के लिए ये अफोर्डेबल प्राइस है, पर कुछ के लिए ये बहुत कॉस्टली है। 550 भी बहुत ज़्यादा किसी को कॉस्टली लगती है जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए मैं एक और फाउंडेशन लेके आऊँगी जो कि बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस में होगा और वो कवरेज भी देगा। पर हाँ, इतना कवरेज नहीं देगा क्योंकि आप जितना शक्कर डालेंगे मिठास आपको इतनी ही मिलेगी। वैसे भी वैसे ही ये प्रोडक्ट की बात है, आप जितने महंगे प्रोडक्ट लेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। बस एक दो प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलता, पर ज़्यादातर बहुत अच्छे प्रोडक्ट आपको अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाते हैं। और जो हाई कवरेज फाउंडेशन वगैरह होते हैं वो तो बहुत ही कॉस्टली आते हैं, 3000 से स्टार्ट है। जैसे हुदा ब्यूटी का जो फाउंडेशन है वो 3000 से स्टार्ट। तो ये मैंने ब्लेंड कर लिया है, अब आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे ग्लो आ गया। अब ये देखिए आप मेरा फेस और मेरी नेक देख सकते हैं कितनी अलग अलग हो रही है। तो ये था इसका रिजल्ट, मेरे लिपस्टिक भी थोड़ी सी हल्की पड़ गई, पर हाँ ये आपको मीडियम कवरेज देगा, पर इससे चेहरे पे ग्लो बहुत अच्छा आएगा। तो आप इसको खरीद सकते हैं अगर आप ज़्यादा फाउंडेशन लगाने नहीं चाहते, ज़्यादा आपको कवरेज नहीं चाहिए या डेली बेसिस पे, या जो टीनेजर गर्ल हैं वो उसको बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है पार्टी वगैरह में लगा के, क्योंकि आपके चेहरे पे एक ग्लो तो मिलता ही है। कवरेज चाहे से आपको कम मिला वो भी 2 पम में, अगर मैं 3-4 पम लगाऊंगी तो ज़्यादा मुझे कवरेज मिल जाएगा इसका। अभी ये थोड़ा सा ही मैंने लगाया इसलिए मुझे कम कवरेज मिला है, ज़्यादा लगाने पे आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक से जरूर करें। बाय।